हेलो एवरीवन, माय नेम इज मीत एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट परमानेंट गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, जहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि ये नोटिफिकेशन आज ही आए हैं। 8th pass, 10th pass, 12th pass एनी ग्रेजुएट इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर बात करें, अनलिमिटेड यहाँ पर आउट की जा चुकी हैं। सो किस तरीके से इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, कैसे आपकी इन वैकेंसीज में सिलेक्शन होने वाली है, हर एक चीज़ को हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। आपने वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखना है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.clory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। आप गूगल पे टाइप करेंगे तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम लेते हैं, बात करेंगे लेटेस्ट आई हुई जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पे आप इंडिया में किसी भी सिटी, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, टाउन के रहने वाले हैं, एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। हर चीज़ को डिटेल में कवर करने वाले हैं, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं, कौन से डिपार्टमेंट की तरफ से ये अपडेट आया है, कौन सी पोस्ट के लिए क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसे आपकी इसमें सिलेक्शन एंड ज्वाइनिंग होने वाली है, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको अप्लाई कैसे करना है, वो भी मैं आपको प्रॉपरली यहाँ पर बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना और एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर देना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। तो बात करें हम लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें तो आपकी स्टार्टिंग जो सैलरी है इसमें 32,000 से 63,070 इन हैंड इन वैकेंसीज में आपकी सिलेक्शन और आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद अगर हम इन वैकेंसीज के लिए बात करें कौन कौन सी पोजीशन के लिए है या कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई करने वाले हैं, इसमें 4 से 5 टाइप की वैकेंसीज है अलग अलग कैटेगरी वाइज। उसमें भी आगे इन्होंने वैकेंसीज को डिवाइड किया हुआ है, कुछ वैकेंसीज 8th पास की है, कुछ 10th, 12th और एनी ग्रेजुएट की वैकेंसीज है जिसमें आउट की जा चुकी है। इसमें 4000 प्लस वैकेंसीज है जो आउट की गई हैं, कोई इंटरव्यू नहीं है, डायरेक्टली आपकी इसमें सिलेक्शन होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे वैकेंसीज की बात करें कौन कौन सी पोजीशन के लिए है, तो सबसे पहले इसमें जो पोस्ट आउट की गई हैं वो आउट की जा चुकी है स्टेनोग्राफर के लिए। परमानेंट आपकी ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है। सैलरी की अगर हम यहाँ पे बात करें, आपकी 20,200 सैलरी रहने वाली है, प्लस 2,800 आपको इसमें ग्रेड पे मिलने वाला है। इस पोस्ट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करूँ तो 1,186 वैकेंसीज आउट हुई हैं, जिसमें इंग्लिश के लिए भी है, हिंदी के लिए भी है, दोनों टाइप की वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। नेक्स्ट अगर पोस्ट की बात करें तो वो आउट की गई है जूनियर असिस्टेंट की। बहुत सारे कैंडिडेट के कमेंट्स मुझे देखने को मिल रहे थे कि जूनियर असिस्टेंट या सहायक की वैकेंसीज कब आएंगी, वो भी परमानेंटली गवर्नमेंट जॉब। तो फाइनली नोटिफिकेशन आपके सामने है, तो यहाँ पर इन वैकेंसीज के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। 10th pass, 12th pass एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। 1,021 वैकेंसीज इसके लिए आउट हुई है। सैलरी की बात करें 5,200 से 20,200 सैलरी है, प्लस आपका 1,900 से 2,000 तक आपका ग्रेड पे भी इसमें रहने वाला है। नेक्स्ट पोस्ट की अगर हम बात करें तो ड्राइवर क्लास 4 की वैकेंसीज आउट हुई है। इसमें हाई स्कूल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इन वैकेंसीज के लिए। इसके लिए टोटल 26 वैकेंसीज आउट हुई है। सेम सैलरी आपकी रहने वाली है, 20,200 तक सैलरी है, प्लस 1,900 आपका ग्रेड पे रहने वाला है। अगर उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट की हम बात करें, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन की आउट की गई है। इसमें भी 8th, 10th वाले अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस वाली पोस्ट के लिए ITI रिक्वायर्ड है, ठीक है। अगर आपने की है आप अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसीज के लिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, प्रोसेस सर्वर की है, इसके लिए 10th pass, 12th pass दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इवन अगर ग्रेजुएट चाहते हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एनी फ्रेशर्स के लिए ये वैकेंसीज है। इसमें अगर कैटेगरी की बात करें, ये वाली जो कैटेगरी है कैटेगरी डी की वैकेंसीज है, जिसमें 2 पोस्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड पोस्ट की बात करें, PN और ऑफिस PN की वैकेंसीज है।
इसके लिए भी जूनियर हाई स्कूल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कुली की वैकेंसीज आउट हुई हैं, इसके लिए भी 10th 12th एनी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। स्वीपर की वैकेंसीज है जिसमें 6th या 8th पास वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ग्रुप डी की वैकेंसीज हैं इसमें 1700 अप्रॉक्स वैकेंसीज आउट हुई हैं। सैलरी की बात करें आपकी 5200 से 20,200 सैलरी है, प्लस इसमें आपका ग्रेड पे भी रहने वाला है जो कि 1800 तक रहेगा। ओवरऑल जो वैकेंसीज ये आउट की गई है ना, इसमें अगर हम एज लिमिट की बात करें, आपकी एज मिनिमम 18 आप अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम 40 तक है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्लस आपको रिलैक्सेशन भी दिया जा रहा है, OBC को 3 साल का, SST को 5 साल का एंड अदर्स को एज पर नॉर्म्स रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। उसके बाद इन वैकेंसीज के लिए एप्लीकेशन फ़ी भी आपकी डेफिनेटली है, वो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, अलग अलग पोस्ट वाइज इन्होंने डिवाइड कर रखा है, जिसमें SST की 1000 तक भी है, वो अलग अलग पोस्ट वाइज वेरी करता है, जो मैंने आपको पहले भी क्लियर किया, कुछ पोस्ट के लिए 800 है, कुछ पोस्ट के लिए उससे कम भी है। जनरल OBC के लिए 1250 है, इसके लिए भी सेम इसी तरीके से अलग अलग पोस्ट वाइज आपकी है ये एप्लीकेशन फ़ी। आप मोर देन वन पोस्ट भी अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, 8th 10th 12th एनी ग्रेजुएट इन वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन आपकी इन वैकेंसीज में कैसे होने वाली है, तो इसमें आपका पहले रिटर्न एग्जाम होने वाला है डिपार्टमेंट की तरफ से। ये जो वैकेंसीज है हाई कोर्ट की तरफ से रिलीज की गई हैं, आप इंडिया में कहीं से भी बिलोंग करते हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसमें पहले आपका रिटर्न एग्जाम होगा, अलग अलग पोस्ट वाइज ये इन्होंने पैटर्न मेंशन यहाँ पे किया हुआ है, उसके बेसिस पे आपकी बस इसमें सिलेक्शन होने वाली है। अगेन रिपीट करूँगी, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपके रिटर्न एग्जाम के बेसिस पे सिलेक्शन इसमें होने वाली है। जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसके लिए स्किल टेस्ट आपका हो सकता है, ठीक है, जिसमें आपकी चेक की जा सकती है स्पीड, तो उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन इसमें होने वाली है। अब इसमें बात आती है अप्लाई कैसे करना है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में आपको पहला लिंक इसी रिक्रूटमेंट का दिया है, क्लिक करना, नया इंटरफेस ओपन होगा, लास्ट में रिक्वायर्ड लिंक मिल जाएंगे। पहला आपको नोटिफिकेशन PDF का मिल जाएगा, सेकेंड मिल जाएगा अप्लाई ऑनलाइन का। जैसे आप क्लिक करेंगे अप्लाई ऑनलाइन वाले लिंक पर, अपने आप को पहले रजिस्टर कर लोगे, उसके बाद लॉगिन करना है यूज़र नेम पासवर्ड मेंशन करके एंड अप्लाई कर सकते हैं। आपका नेम मेंशन करके, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, कब पास आउट किया है, कहाँ से पास आउट किया है एंड अदर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फिल करके आपको जस्ट सबमिट कर देना है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी है। जो जो स्टेप आपसे आपके सामने होंगे वो एज इट इज़ फिल करके सक्सेसफुली आपका अप्लाई हो जाएगा, आपके पास कंफर्मेशन भी आ जाएगी हाई कोर्ट की तरफ से। उसके बाद आपको प्रिंट आउट लेकर रख लेना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। सो जिस तरीके से मैंने आपको बताया वैसे ही अप्लाई करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर चैनल पर पहली बार आएँ। आप नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।